बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। उधर से आवाज नहीं आती है। हम देखिए पांच शब्द बोलते हैं, आपको मात्र एक शब्द बोलना है। हम बोलते हैं बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, और आपको इतना बोलने के बाद केवल कहना है जय। आप उतना भी नहीं कह पाते हैं, एक शब्द बोलिए आप, केवल जय। हम तो पांच शब्द बोलते ही हैं। फिर से जय जयकारा लगाइए, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी मंच पर उपस्थित, संत गुरुजन धर्म सभा में बैठे हुए, धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, हम लोग दो दिनों से संत गुरुजनों के बहुत ही कल्याणकारी विचारों से लाभ ले रहे हैं। इसी क्रम में हमें भी आदेश हुआ है, आदेशा अनुसार कुछ निवेदन। सद्गुरु कबीर साहेब सत्संग में या सत्संग को हमारे जीवन में असर क्यों नहीं पड़ता, सत्संग का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता आज तक, उसका एक सूत्र बताते हो कि गलती कहां होती है हम लोगों से। आज तक इतना दिन हो गया हम लोग सत्संग सुनते आ गए और जीवन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा, आखिर कारण क्या है? साहब कहते हैं शब्द हमारा तू शब्द का, शब्द हमारा तू शब्द का, सुनिमत जाहूं सरक। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बिठाओ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो कबीर साहब कहते हैं कि शब्द हमारा तू शब्द का, जैसे हम यहां से शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द किसका है? हमारा है। हमने शब्द को आप तक भेजा, शब्द हमारा, और जब शब्द आप तक गया तो क्या हुआ? आप शब्द के हो गए। जैसे कोई शिकारी है, वो बंदूक से गोली छोड़ता है और किसी जा करके जानवर को लग जाता है, तो क्या कहते हैं? वो जानवर गोली का शिकार हो गया। उसी तरीके से हम यहां से शब्द बोल रहे हैं, शब्द हमारा है, शब्द हमारा, और जब शब्द आप तक गया तू शब्द का, आप उस शब्द के हो गए। लेकिन करते क्या है इस पर विचार नहीं करते। सुनिमत जाहूं सरक, आज तक हम लोग यही करते आए हैं, सुन करके सरक जाते हैं, यानी अनदेखा कर लेते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं। तो यही सद्गुरु कबीर साहब का संदेश है कि शब्द तो सुनो, सत्संग तो सुनो, शब्द हमारा तू शब्द का, सुनिमत जाहूं सरक। लेकिन हम लोग इसीलिए जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि शब्द तो सुनते हैं, सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन सुन करके हम पल्ला झाड़ करके चल देते हैं, यहां से सरक जाते हैं। हमारे जीवन पर उसी चीज का प्रभाव पड़ता है जिसका हम महत्व देते हैं। अगर उस जिसका हम महत्व नहीं देते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है।
तो साहेब कहते हैं कि शब्द हमारा तू शब्द का सुनी मत जाहूं सरक, तुम इस पर अगर सुन लिए हो, शब्द तुमको मिल गया है, तुम इस पर विचार करो, विवेक करो, इसको अपने जीवन में उतारो, तब जाकर के प्रभाव पड़ेगा। आगे शब्द, अब देखो शब्द का कितना बड़ा हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, कितना बड़ा उस असर होता है। कैसे? शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगो काज। एक उदाहरण लीजिए, देखो शब्द का हमारे जीवन पर कितना असर पड़ता है। एक किसान था, एक गरीब किसान था, वो फसल बोया, आप फसल, और उसकी लड़की थी, वो विवाह के योग्य हो गई थी, जवान हो गई थी, उसको शादी करना था, लेकिन किसान तो गरीब था, वो सोचा कि जब ये फसल कटेगा, अन्न तैयार होगा, तो इस अन्न को बेच करके हम अपनी लड़की की शादी करेंगे। लेकिन हुआ क्या, किस्मत ने साथ नहीं दिया, मौसम खराब हुआ, ओले पड़े, आंधी आई, तूफान आया, और वो फसल नष्ट हो गया। वो किसान बड़ा दुखी हुआ कि भाई जो सोच करके मैंने फसल तैयार किया वो तो बर्बाद हो गया, अब लड़की की शादी कैसे करेंगे, हम तो गरीब आदमी हैं, बच्ची जवान है, शादी करना जरूरी है। वो बड़ा दुखी हुआ, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने क्या सोचा कि हम जंगल में जाएंगे और वहीं लेट जाएंगे और हमको जो है सियार, भालू, शेर खा जाएगा। घर से बड़ी दुखी होकर के निकला और घनघोर जंगल था और जा करके उस जंगल में एकांत स्थान पर लेट गया वो कि भाई शेर आएगा और हमको खा जाएगा। वहां एक हंस था, उस जंगल में एक हंस रहता था। हंस देखा कि भाई, हंस समझ गया कि भाई जरूर कहीं ना कहीं से दुखी व्यक्ति है ये। शेर से कहा, शेर चूंकि जंगल का राजा था, हंस ने शेर से कहा कि राजा, राजन, देखो ये मेहमान है आपका, इसके जीवन को देख करके, इसकी अवस्था को देख करके ये जरूर कहीं ना कहीं दुखी है, ये गरीब है, ये मेहमान है, आया है, और आपका फर्ज बनता है कि हर तरीके से इसकी मदद करें आप। वो शेर आया, जैसे शेर वो आया तो किसान समझ गया कि बस हमको ये मार करके खा जाएगा, हम मर जाएंगे, कहानी समाप्त हो जाएगी। लेकिन शेर का किया कि शेर उसको खाया नहीं, उसकी धोती को पकड़ा और खींच करके ले गया पहाड़ी में, एकांत स्थान पर पहाड़ी में खींच करके ले गया वो, और वहां ले गया जहां शेर एक हफ्ता पहले 7 दिन पहले एक राजकुमार को मार करके खा गया था। राजकुमार तो मर गया, मांस खा गया, शरीर खा गया, लेकिन राजकुमार का जो हीरे के मुकुट था वो बचा था, गले में नौलखा हार था वो बचा था, ढेर सारे सोने चांदी के गहना पहना था वो बचा था, और शेर वहां से चला गया। किसान देखा कि शेर तो मारा नहीं, उसका आंख खुला तो देखा कि भाई एक कीमती मुकुट है, नौलखा हार है, सोना है, चांदी है, बहुत सारे उसके पास जेवरात है। वो देख करके खुश हो गया, कहा कि अब तो लड़की की शादी हो जाएगी। अब वो ले करके गया और घर ले गया, उसको बेचा और बेच करके खूब बढ़िया से धन धान्य से लड़की की शादी कर लिया। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन के बाद फिर उसको लोभ जगा, कहा कि चलो ये तो बहुत बढ़िया उपाय है, खेती नहीं करनी पड़ेगी, खेती करते हैं तो पता नहीं प्रकृति की ऐसी आपदा आ जाती है, घाटा लग जाता है, आइए धंधा बढ़िया है, कुछ करने की जरूरत नहीं, खून पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, जा करके जंगल में लेट जाएंगे, फिर शेर आएगा, खींच करके ले जाएगा, फिर धन दौलत मिल जाएगा।
फिर वो वही काम किया। जब पैसा खत्म हो गया, धन दौलत खत्म हो गया, तो फिर वो जंगल में गया और जहाँ लेटा था वहीं लेट गया। लेट गया तो इस बार तो गजीब की बात हो गई। हंस जो बैठा था वहां हंस नहीं बैठा था, कौआ बैठा था। कौआ बैठा था, देखो वो हंस था, इस बार कौआ है। जब लेट गया तो कौआ ने कहा वो शेर से कि राजन, आप शिकार करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको परिश्रम लगता है। अब देखिए आपके सामने शिकार पड़ा हुआ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस जाइए पकड़िए, मारिए और खाइए, और जो थोड़ा मोड़ा बचेगा हम भी खा लेंगे। देखो दोनों शब्द ही है, एक हंस का शब्द था, ये कौवा का शब्द है। शेर गया उस समय धोती पकड़ा था, इस बार गला पकड़ा, गला पकड़ा और मारा और खाया, और फिर जो बच्चा वो कौवा खा गया, कौवा खा गया, वो किसान मर गया। तो एक हंस का शब्द था, एक कौवा का शब्द है। देखो शब्द शब्द में कितना भेद है। इसीलिए साहब कहते हैं, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, आ जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सद सरियो काज। शब्द पर ध्यान दो, कौन कैसा बोल रहा है। कबीर साहब अंत में कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सच्चे शब्द के पारखी बनो, सच्चे शब्द को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि शब्द शब्द में बड़ा भेद है। जैसा गुरु वैसा शब्द मिलेगा, वैसी उसकी बुद्धि बनेगी। गुरु को जान समझ बुझ करके गुरु करो। तो साहब कहते हैं कि शब्द हमारा तू शब्द का, सुनिमत जाहु सरक, नहीं शब्द हमारा तू शब्द का। आगे कहते हैं, जो चाहो निज तत्व को, जो निज तत्व को आत्म तत्व को अगर तुम चाहते हो कि मैं इसको पालूं, कल्याण अगर चाहते हो तो इस पर विचार करो। जो चाहो निज तत्व को, निज तत्व क्या है, कोई हमसे अलग बताता है, जीव ही निज तत्व है, आत्मा ही निज तत्व है, लेकिन बताने वालों ने कोई तुच्छ बताया, कोई अल्प बताया, कोई अंश बताया, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि तुम अंश नहीं हो, तुम अल्प नहीं हो, तुम तुच्छ नहीं हो। हो हजूर ठाढ़ कहते हो, तू हजूर हो, तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। जीव तुच्छ नहीं है, जीव महान है। तो जो चाहो निज तत्व को, अगर निज तत्व को अगर तुम चाहते हो तो शब्द ही ले हूं परख, शब्द पर ध्यान दो, कैसा शब्द, क्योंकि शब्द के अनुसार ही जीवन बदलता है। जैसा शब्द हमारे जीवन में आता है वैसी हमारी बुद्धि बनती है, और वैसा संस्कार बनता है, वैसा कर्म बनता है, फिर वैसा जीवन बनता है। क्योंकि बुद्धि जो है वो ड्राइवर है। ऋषि ने कहा है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथी विधि मनः पग्रहे मेव च इंद्रियाणि हया नाहु विश्याम तेषु गोचरान आत्म इंद्रिय मन आत्म इंद्रिय मन युक्तम भुक्त त्याहुर मनीषिणः। देखिए कबीर ये ऋषि इसमें क्या कहते हैं, आत्मानम रथिनम, एक मान लो रथ है, ये शरीर एक रथ है और आत्मा इसमें रथी है। आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथी। अब बुद्धि क्या है, इसमें सारथी है। मान लीजिए कोई रथ हो और रथ में रथी हो और रथ को हांकने वाला भी हो, सारथी हो, और उस रथ में घोड़े हो, पहिए ठीक हो, और सड़क भी सही है, रास्ता भी सही है, लेकिन जो रथ को हांकने वाला है, जो सारथी है, वही अगर नशे में हो तो क्या होगा, रथ सही जगह पर नहीं पहुंचेगा,
किसी खाई में जाएगा, गड्ढे में गिरेगा, रथ भी टूटेगा और जो रथ में बैठा है वो भी घायल होगा, यानी सब कुछ नाश हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारी बुद्धि सही है तो हमारा जीवन सुखमय है, अगर बुद्धि खराब है तो पूरा हमारा जीवन बेकार है। और यही हो रहा है। बुद्धि अगर नहीं बिगड़ती तो शराबी शराब क्यों पीता? बुद्धि खराब है तभी कोई जुआड़ी जुआ खेलता है, बुद्धि खराब है तभी मांसाहारी मांस खा रहा है, व्यक्ति मांस खा रहा है, बुद्धि खराब है तो चोर चोरी कर रहा है। हमें बुद्धि को सही करने की जरूरत है। जब बुद्धि हमारी सही होगी तब जाकर के हमारा जीवन सही होगा। और बुद्धि कहां सही होगी? बुद्धि को ठीक करने की जगह क्या है? यही सत्संग है, यही संत जन है। जहां पर और बुद्धि कहीं ठीक नहीं होगी, हम सब कुछ पर ध्यान देते हैं, मकान पर ध्यान देते हैं, कपड़े पर ध्यान देते हैं, पैसे पर ध्यान देते हैं, बाल बच्चों पर ध्यान देते हैं, पद प्रतिष्ठा पर ध्यान देते हैं, लेकिन जीवन पर ध्यान नहीं देते। किसी से कह दो कि भैया आपकी बुद्धि खराब है तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बुद्धि आपकी बिगड़ी है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? बिगड़ जाएगा वो, हमारी बुद्धि खराब है। लेकिन अगर बुद्धि नहीं खराब है तो हमारे जीवन में दुख क्यों है? हमारे जीवन में अशांति क्यों है? हमारे जीवन में परेशानी क्यों है? ये बुद्धि के चलते ही है। हमें अपने बुद्धि को ठीक करने की जरूरत है। जब हमारी बुद्धि सही हो जाएगी, जब हमारे पास सच्चा ज्ञान हो जाएगा, तब हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा। तो मैं सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी, शब्द हमारा तू शब्द का, सुनिमत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को, तो शब्द ही ले हूं परख। शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। जब हमारे जीवन में सही शब्द उतरेगा तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।